बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स कैसे हैं आप? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब ठीक ठाक हों और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुशबाश हों। तो ये मैं पता क्या कर रही हूँ, जब बस किसी को पता चल जाए ना कि इसका यूट्यूब कुकिंग चैनल है, तो फिर बस वो डिमांड करते हैं कि हमें भी कुछ खिलाओ ना, हमें भी कुछ खिलाओ ना। तो मैं जी अपने डिपार्टमेंट की डिमांड पर यहाँ आज जो है ना बिरयानी बना रही हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे मैं प्याज भून रही हूँ, लेकिन मैं सिंपल बिरयानी बनाऊँगी, चिकन बिरयानी, ठीक है। और मसाले में पैकेट वाला मसाला है, मेहरान का मसाला मैं लूँगी, बिरयानी मसाला उसमें बनाऊँगी। और ये जो है मैं प्याज भून रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। ये देखिए, जब प्याज ब्राउन हो गया मैंने इसे निकाल लिया ऑयल से, और अभी जो है मैंने इसमें फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और थोड़ा सा प्याज रहता था तो मैंने इसे रहने लिया। मैंने इसमें चिकन डाला है, और अभी चिकन जो है ना उसको थोड़ा मैं फ्राई करती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसमें मसाले डालती हूँ। तो ये देखिए, इतना चिकन जो है फ्राई हो गया है, यानी अब मैं इसमें मसाला डालती हूँ, और मैं मेहरान का मसाला डाल रही हूँ इसमें, बिरयानी मसाला। देखिए यहाँ पर मैंने इस पर तीन इस तरह दरमियाने साइज के टमाटर डाल लिए मैंने, हरी मिर्चें जो है मैं बाद में डाली थी, और अभी मैं हाँ थोड़ा सा नमक भी मैंने डाल लिया, लेकिन बिरयानी मसाला में तो नमक ऑलरेडी होता है ना, तो बाद में हम नमक चेक करेंगे। अभी मैं इसमें दही भी डालती हूँ, ठीक है। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने इसमें एक वो जो डब्बा होता है ना दही का, वो मैंने इसमें डाल लिया। अब इसको पकने देते हैं। अभी मैंने इसके ऊपर जो है ढक्कन रख लिया, और इसको थोड़ा फ्लेम जो है ज़रा लो कर लेते हैं, इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं 15 मिनट। और मेरा फुल किचन जो है ना वो खुशबू से भर गया है, माशाल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबुएँ आ रही हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने चिकन में पानी डाल लिया, और चिकन तकरीबन पक ही चुका है, लेकिन फिर थोड़ी सी कसर इसमें है, वो हम इसमें चावल डालते हैं ना, तो उससे फिर चावल भी पक जाएंगे, और थोड़ी बहुत जो कसर है वो भी इसमें रह जाएगी, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। हरी मिर्चें मैंने इसमें भी नहीं डाली हैं। अभी जो है मैंने ये सिला बासमती राइस हैं, तो मैंने बेहतर भिगोए थे, मैंने उनको यानी वो नहीं किया, 1 घंटे पहले मैंने भिगोए हैं, मैंने उनको बॉईल नहीं किया है, अभी मैं इसमें डायरेक्टली डालती हूँ। यहाँ पे आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं, अभी चूल्हा जो है हम तेज़ रखेंगे, उसके बाद हम स्लो करेंगे जब तक इसमें सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाए। देखिए मैंने यहाँ पे इस पर एक बहुत फूड कलर डाल लिया है थोड़ा सा, अभी जो है इसको मैं दम पे रखती हूँ, तकरीबन 10 मिनट इसको मैं 10-15 मिनट इसको मैं दम पे रखती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, हमारी यमी बिरयानी जो है मैंने बनाई है वो तैयार है बिल्कुल,
और अभी जो है मैं इसमें ज़्यादा चमचा नहीं मतलब हिलाती, इसलिए कि फिर वो कल मैंने देनी है ना डिपार्टमेंट में और काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं, तो फिर ये कल तक जो है ना ऐसे चावल टूट जाएंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोग से चाहती हूँ इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।